रामनवमी के दिन आज देश में कई जगह कन्या पूजन हुआ, उन्हें भोजन करवाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में हजारों बच्चे भूखे रहे क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। कई दिनों से उन्हें मानदेय नहीं मिला है और भी कई मांगे। इसके साथ ही महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक भी 15 मार्च से संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सनी बैगा अपने नातिन को शहडोल के वार्ड नंबर 1 के आंगनबाड़ी केंद्र लेकर आई। सोचा था पोषण और भोजन साथ लेकर लौटेंगी, लेकिन खाली हाथ लौट रही हैं। आंगनबाड़ी लाते हैं नतिनिया के, अब लाई जाते हैं, नहीं मिला खाना तो क्या करेंगी है? क्यों नहीं मिलता खाना? अब बंद रहता है यादें। मध्य प्रदेश के सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में हड़ताल की वजह से ताला डला है, टीकाकरण से लेकर मिड डे मील जैसी योजनाओं पर भी। सबसे बड़ा असर सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना के पंजीकरण पर हुआ है। बच्चे जाते हैं ऑफिस लौट के चले जाते हैं। अब क्या मालूम सर, अब तो मैडम ना बैठा तो जाते हैं बच्चे लोग, 10-15 दिन होगी जाते हैं अपन ऑफिस चले जाते हैं। आंगनबाड़ी तो बंद है सर, बच्चे जाते हैं, बच्चे हो गए देख के बता देते हैं कि ये बच्चे तुम्हारा ये आंगनबाड़ी बंद है तो लौट जाते हैं। अभी हमको ये दिक्कत हो रही है कि आशा कार्यकर्ता हमारी जो रहती थी तो वो बच्चों को बुलाती थी ड्यू लिस्ट के अनुसार, तो हम टीकाकरण करते थे। अभी हम जिनके पास जिनका जिन हितग्राहियों का नंबर है तो हम खुद कॉल करके बुला रहे हैं। इससे हमें कार्य करने में बहुत दिक्कत जा रही है। हमारे प्राथमिक शिक्षण जन अभियान परिषद वाले और NRLM की जो महिलाएं वो सहयोग कर रही हैं, और इसके अलावा हमने अन्य विभाग के ऑपरेटर्स को भी लगाया है फॉर्म भरने में। अब इनसे लगातार बातचीत चल रही है कि काम करने के लिए, अब जल्दी बातचीत से कुछ अच्छे नतीजे आएंगे। राज्य में 97,135 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन्हें चलाने के लिए 1,35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं। हड़ताल में परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। इनकी ग्रेड देश में सबसे कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मांग है कि सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करे। सेवानिवृत्ति के वक्त कार्यकर्ता को 5 लाख रुपए एवं सहायिका को 3 लाख रुपए मिले। हम लोग को सबसे पहली मांग तो हमारी है हमें परमानेंट होना है। दूसरी बात, हम रिटायर होते हैं जब साल इतने जिंदगी भर तो हम काम करते हैं जब तक हमारी हिम्मत रहती है, लेकिन जब रिटायर होने पर जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है, जब हमें हिम्मत नहीं रहती है, तब हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेकिन रिटायर होने पर हमें एक सिर्फ कागज़ दे के बिठा दिया जाता है, ना हमें कोई पेंशन मिलती। यदि वो पेंशन नहीं देते हैं तो कम से कम हमें एक मुश्त राशि दे रहे हैं। 2022 में हम लोग 45 दिन 12 में भी 45 दिन बैठे रहे, उस समय हमें मात्र एक आश्वासन पत्र मिल गया था, लेकिन हमारी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। तो हम लोग अब इस में संयुक्त मोर्चा के माध्यम से बैठे हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधे पर कुपोषण के लिए बटने वाला आहार, गर्भवती माताओं के आहार से लेकर केंद्र में बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी रहती है। महिला एवं बाल विकास विभाग की मांग संबंधी फाइल अनुमोदन के बावजूद पिछले 5 साल से धूल फांक रही है। पिछले साल भी हड़ताल हुई थी, इस साल भी। हर बार कर्मचारी आश्वासन के बाद पीछे हट गए, लेकिन इस बार सब कुछ ताला बंद हो गया है। साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य और उनका पोषण भी नज़रबंद। लेकिन जल्दबाजी और फिक्र किसी को नहीं, क्योंकि बच्चे वोट बैंक नहीं। शहडोल से अपने सहयोगी विनय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।